मॉर्निंग मेरे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो डेली की तरह आज भी होगी मेरे को लेट, और मैं अभी वापस जा रहा, घर जा रहा। बारिश लग चुकी है यार बहुत तेज, ठीक है। तो कोई नहीं, ऑनलाइन लेंगे आज की क्लास, ठीक है। चलो मिलता हूँ आपको, अभी मैं घर पहुँचता हूँ पहले। तो यार जैसे मैं जा रहा था अचानक से बारिश लग गई आधे रास्ते में ही, देखो। अब घर पे ही क्लास लेता हूँ, नहीं तो भीग जाऊंगा यार वहाँ जाते जाते। हे दोस्तों, तो अभी अपने रोबिन भाई भी आ चुके हैं और अभी चलते हैं दूध लेने, ठीक है। तो आज तो तुम्हारा भाई कोचिंग गया नहीं, बारिश लगी हुई थी, अभी बारिश रुक गई, ठीक है। शेरू देखो ये भी तैयार हो गया, लेकिन इसे नहीं ले जाना, ये तो वापस नहीं आता फिर। तो चलो, वैसे नजदीकी है लेकिन स्कूटी लेके जा रहे। पानी गिर रखा, देखो बारिश हुई, ठीक है, कम थी पर हुई, अभी तो बंद हो गई। हेलो गाइस, यस में सही है। आज तूने क्या करना, तूने क्या हम तीनों ने आज पूरे खेत में ना गाड़ी के थोड़ा खड़े। क्या ये क्या सुन रहा हूँ गाइस, मैं अंदर आते ही कि खेत में काम करना है, खेत में तो थोड़ा करेंगे तो जल्दी जाएगा। तो यार दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं स्कूल, ठीक है। मैं और दीदी जी सिमरन के स्कूल, ठीक है। कल सिमरन आई तो रोते रोते हुए घर आई कि टीचर ने मारा बिना बात के, और जो मारने का तरीका था ना वो बहुत गलत था, ठीक है। क्लास में घसीटा, बाल पकड़ के और फिर मारा, है ना, बाल पकड़ के घुमाया चुटिया। चलो हमारे टाइम की बात मैं मानता हूँ यार, पहले थे, हम घर भी नहीं बोलते थे, हमने तो लात घुसे भी खाए, ठीक है। लेकिन वो टाइम नहीं है अब यार। आपको पता है धीरे धीरे ऐसे केसेस बहुत सारे हैं कि स्कूलों में मार खाए बच्चों ने, और फिर उसके बाद वो एक गलत कदम उठा लेते हैं, है ना। तो और ये होता है यार, जब आपको बिना बात के कोई मारे ना तो बिल्कुल ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो चलते हैं इसको और मैडम से ज़रा बात करते हैं कि आपने किस बात में मारा बिना बात के, ठीक है। वो कह रही थी, उसने वैसे खुद बता दिया था, ठीक है। इससे पहले भी मैडम ने मारा है पढ़ाई के लिए, लेकिन हमने उस टाइम नहीं बोला, ठीक है। पढ़ाई के लिए आप मारो लेकिन एक लिमिट में, है ना। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करो। तो चलो चलते हैं स्कूल और थोड़ा गुरुजी से मिल के आते हैं, गुरुजी से नहीं मैडम से। तो यार दोस्तों, अभी हम स्कूल से आ गए, ठीक है। और मैडम से, प्रिंसिपल सर से बातें हुई, ठीक है। और मैंने आपको स्कूल इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि किसी स्कूल की इमेज ख़राब हो जाएगी, है ना। किसी एक टीचर के वजह से हो या किसी एक बच्चे की वजह से अगर किसी स्कूल की इमेज ख़राब हो रही तो वो सही नहीं, क्योंकि वहाँ एक स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है, एक टीचर कोई पढ़ाने नहीं आता है ना। वहाँ बहुत से टीचर आते हैं, बहुत से बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे, है ना। एक शिक्षा का केंद्र है यार, तो उसकी इमेज हम इस तरह से ख़राब नहीं कर सकते, ठीक है। होता रहता है, ठीक है। और हमने बात की प्रिंसिपल सर से कि ठीक है आपने मारा, हम समझते हैं कुछ गलती स्टूडेंट की होती है, ध्यान नहीं दिया क्लास में या बातें की, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप बच्चों के साथ जानवरों जैसे व्यवहार करो, है ना। ऐसे तो जानवरों को नहीं पीटा जाता है ना। और ये खासकर मैंने ज़्यादातर नोट किया है कि एक लेडीज़ टीचर का जो मारने का तरीका होता है वो कुछ इसी तरह से होता है ना, जैसे जानवरों के साथ नहीं करते ऐसे। ये चीज़ें देखी है मैंने बहुत बहुत ज़्यादा है। हमने भी खाई मार, हमने भी बहुत खाई। अब हम तो ऐसे थे भाई, बोलते नहीं थे, हम बोलते इसलिए नहीं थे घर क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाना था फिर, है ना। तो हम इसलिए नहीं बोलते थे, हम बोलते थे चलो मारो भैया हमें ठीक है। लेकिन हाँ, एक बारी मेरी भी हुई थी, बहस हुई थी मैडम से, उस टाइम मैं 8 में था तो, और मुझे भी इसी बिना बात के मारा गया, और बहुत ज़्यादा मारा, मतलब मारती रही मैडम कंटिन्यू, और मैं भी बोल रहा हूँ मारो 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 मुझे और मैडम जी दे धड़ाधड़ मारे जा रहे। और वो मैम मुझे पढ़ाती थी संस्कृत, है ना, होती है ना 8 तक होती है संस्कृत, उसके बाद तो सब्जेक्ट चेंज होने लग जाते हैं। तो हम समझते हैं एक स्टूडेंट की भी गलती होती है, लेकिन मारने का जो तरीका होता है वो इस तरह से नहीं होता यार, है ना, कि आप चुटिया पकड़ के घसीटो उसके बाद मारो। ये क्या बात हुई भाई, है ना। आपका अगर घर का गुस्सा अपने घर में निकालिए ना यार। अगर आपको इतना ही डिप्रेशन है या कुछ भी दिक्कत है तो अपने घर में वो गुस्सा निकाले अपने बच्चों के ऊपर, किसी दूसरे बच्चों के ऊपर नहीं, ठीक है। तो बात वगैरह की तो सर ने मैडम से बात की जिन्होंने ये चीज़ें की, और दूसरे टीचरों ने भी बोला कि ये गलत ही था, ठीक है। तो बाकी तो अभी घर पहुंच चुके हैं, तो अभी करते हैं अपनी स्टडी, ठीक है। चलो यार गाइस अभी हो चुका है टाइम डिनर का, ठीक है। और अभी हम देखो शेरू को परेशान करेंगे, जानवर के दीदी एक्टिंग करेगी कि कोई छोटा कुत्ता रखा है अंदर, ठीक है। अभी देखो आ गया, ये देखो नया डॉग मजाक नकली है वो, उसने सोचा सच में आ गया। चलो ठीक है, फिर डिनर करते हैं और उसके बाद फिर से अपने